नवागढ़ तहसीलदार संजय कुमार मिंज राजू राम उपाध्याय के द्वारा कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए भारी कढ़ाई भारी व्यवस्था किया जा रहा है। सुनते हैं 21 दिन लॉकडाउन में फंसे हुए आदमी का, खुद सुनिए मुझवानी। नवागढ़ से बालेश्वर का सबके साथ भूपेंद्र यादव की रिपोर्ट। ये अभी नवागढ़ क्षेत्र में तहसीलदार साहब के देख रेख में एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें कोई भी जो अति निर्धन या बाहरी घुमंतु जो है उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसके लिए एक टीम का गठन किया गया है। जिसके लिए हम लोग यहाँ पर ये पता चला कि सौरा परिवार यहाँ पे 16 सदस्य हैं और उनको मतलब बाहर जाने वो लोग निकले थे, लेकिन वहाँ यहाँ पर एक तहसीलदार साहब के द्वारा एक व्यवस्था दिया गया रहने और खाने के लिए। और कल यहाँ खुद तहसीलदार साहब भी आए थे और हम लोग यहाँ पर आके देख रेख करते हैं। मैं उनका एक सदस्य हूँ। कोई बात की परेशानी नहीं है साहब, रोज आता है, हमको देखभाल करता है, कुछ भी खाएंगे देता है। और तहसीलदार साहब ने भेजता खाना उना? खाना उना 24 घंटा आते जाते रहते हैं, देखते रहते हैं, कुछ भी खाते हैं तो ला के देते हैं। ए नवागढ़ माँ बाबा, लॉकडाउन करे है और रुके हास, कोई तकलीफ उपलीफ हवा है कहाँ के तक जानकारी बता बाबा। आप घर जाते रहे, घर तो हमारे सुहागपुर है कोरबा जिला के, तो ये बीमारी के नाम से तहसीलदार साहेब मन खाना पीना चावल दाल देते हैं, ये हवन बीमारी बचाए के लिए। और कुछ बात के दुख तो नहीं है साहब जी? एक बात के दुख रही, जब घूमे जाथन तब खाता ना, घूमे नहीं जानते कहाँ से खावन, तो वो बीमारी के लिए बचाने के लिए तहसीलदार साहब चावल दाल देते हैं, ओला खाए के यहाँ रुके हैं।